नॉट इनको डाला, आपने इनको डाला, तो आप तो छोटा लग रहे हैं महाराज। छोटा आदमी बड़ा से शादी करता है, तो छोटा लग रहे तो प्यार नहीं कर सकते हैं। अरे महाराज प्यार किसी से कर लीजिएगा, भैंस बकरी से प्यार करिएगा। ये भैंस बकरी नहीं है, दोनों का मर्जी से हुआ है, दोनों खुश हैं, तो फिर तीसरा क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं? बोलिए। माय गॉड। अच्छा ये आप ही का फोटो है, देखिए इनका फोटो है। ट्रेन पार हो रहे हैं। अच्छा देखिए इनका एज कितना हो रहा है? 18 साल के ये लड़की है, और कहीं ना कहीं आपका एज 20 साल के लड़की है मित्रों, और कहीं ना कहीं दोनों शादी कर लिए हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम ही दोनों के साथ खुश रहेंगे, अपना दोनों के साथ, और घर से भाग के शादी किए हैं, और ये अब पहला बार देख रहे हैं जमुई में। अगर जमुई के बात किया जाए तो पहला ऐसा शख्स है, और जमुई के लगले लखीसराय है, और जमुई और लखीसराय, ये लखीसराय के हैं, ये जमुई के पहला शख्स आप देख रहे हैं जो कि लड़की। वेलकम टू इंडियन एक्स, मैं हूं नीतीश, और इस वक्त आपको लेके आया है जमुई रेलवे स्टेशन, और हमारे साथ एक शख्स मिल गए हैं जो कि लड़की लड़की में शादी कर लिए है। ये आप पहला बार सुने होंगे, और कहीं ना कहीं देखे होंगे तो भी 1% देखे होंगे, बाकी नहीं देखे होंगे, लेकिन वाकई में क्या है। और बहुत सारे भाई लोग हमारे साथ देख रहे हैं, जो कि आप ये व्यू लेके हम जस्ट इधर आगले हैं, और क्या कुछ है हम जानकारी आपको देंगे। और देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे सर भी आए हुए हैं, जो कि बहुत सारे यात्री भी जाएंगे अपना, और यहाँ पे स्टेशन में बहुत मतलब वेट कर रहे थे। आइए आपको हम इधर से दिखाइएगा, इधर से लाइट से हट से। वेलकम, आपका स्वागत है पहले। हाँ बोलिए। ये बताइए कि आप शादी कैसे कर लिए? कहीं ना कहीं एक लड़की से शादी करना ये कहाँ तक संभव है, और कैसे ये सब सोच आया? सोचे प्यार हो गया और शादी करने का मन किया। शादी करना अलग रह ही नहीं सकते थे हम दोनों, लड़की भी बोली थी अगर तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे, और हम भी को भी ऐसा लगने लगा था कि वो हमको नहीं मिलेगी तो शायद हम नहीं जी पाएंगे। अरे भाई जो आपको जन्म दिया, माता पिता ने आपको इतना बड़ा किया, आपको लायक बनाया कि कैसे प्यार किया जाता है, अब उनका आप लोग नहीं हुए, और कहीं ना कहीं ये कहाँ से आपको पैसा देता है ना जी मैम, पेट में खाना रहता है तभी सूझता है कि वो लड़का है वो लड़की है, सही बोल रहे हैं ना भैया? हाँ। अब ये सब त्याग करके आप एक लड़की से शादी कर रही है, लड़की हो के ये सब कैसे दिमाग आया, और ये सब कौन सिखाता है? सुनिए, कल ही से खाना नहीं खाए थे, ठीक है, अभी खाना खाएं। अगर खाना नहीं खाए थे, अगर हम वही चाहते हैं तो इसको, इसकी मम्मी बोल रही थी आराम से घर धर लाने के लिए, हमको खाना ही सूझता है तो इसको धर आते ना घर, पहले हम अपना पेट देखते ना, लेकिन हमको इसका देखना है, पहले हम इसके बारे में सोचते हैं। आपका एज भी नहीं है भाई, और इतना बड़ा आप कमाने भी जाइएगा ना, तो आप कमा नहीं पाइएगा जितना बड़ा शरीर है, जानते हैं 12 घंटा खड़ा रखता है ड्यूटी में, और 8,000 भी नहीं बचता है, 5,000 भी नहीं बचता है, बताइए कि आप कैसे चलाइएगा? आप अपने माता पिता फैमिली परिवार गाँव सबको त्याग करके आए हो, आप क्या समझ लियो? क्या समझेंगे, बस इसी के साथ रहना है। इसी के साथ रहना, हाँ, चाहे जो हो जाए। अच्छा आप बताना बाबू ये सब कैसे समझ आए? एक तो आप समझदार लड़की लग रही हो, और एक सेकंड इधर ही आना, आपको हंसी आ रहा है ना? हंसी आ रहा है? नहीं बोलिए, मजाक लग रहा है। देखिए ऐसे ऐसे समाज में आप कहीं ना कहीं आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं कचरा फैलाने का काम चल रहा है, और एक लड़की लड़की में शादी, लड़का लड़की में चलता तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, भाग गया उनका लड़की उनका लड़का कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगा एक दो साल में गांव संता जाएगा, लेकिन वाकई में एक लड़की लड़की में इनका माता पिता कहीं ना कहीं जन्म दिया, इसको बड़ा किया, इसको काबिल बनाया कि अब कैसे प्यार किया जाता है, और पढ़ाई कैसे किया जाता है, और इतना तक इसको सिखा दिए, इतना लंबा बड़ा कर दिए, और इनको समझ नहीं है कि लड़का से शादी करना चाहिए कि लड़की से शादी करना है। अरे प्यार होता है तो भाई बेस्ट फ्रेंड बना लो आप, ऐसा नहीं कि अब रिलेशन बना दोगे, अब कैसे बाल बच्चा होगा भाई, लड़की लड़की में बाल बच्चा होता है? नहीं ऐसा तो नहीं था। अच्छा क्या कुछ है बाबू, आप कैसा लग रहा है? फैमिली प्लानिंग नहीं होगा। अब फैमिली लोग नहीं खोलते, आप लोग मजाक मत उड़ाइए भाई लोग, आप लोग मजाक मत, कैमरा के सामने मजाक उड़ाइए, इधर बाबू एक सेकंड कैमरा तरफ देखना। क्या कैसा लग रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी बीत जाएगा? हाँ क्यों नहीं बीतेगा, आपके मम्मी पापा के जो आस रखा हुआ है कि हमारे नातनी हो गए नाती होंगे तो कैसे पूरा हो? फिर दूसरा शादी होगा? नहीं, शादी दूसरा कैसे होगा?
तो ये कैसे संभव है, लड़की साथ कैसे आप रह सकती है? तो अभी कौन कहाँ से पढ़ी है, कौन सा बुक में लिखा हुआ है? ये बुक में थोड़ी ना लिखा होता है। कैसे प्यार हुआ था, पूरा कहानी टोटल बताओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना आदमी है सब सपोर्ट करेगा तुम्हारा, अगर सही रहेगा सपोर्ट करेगा, पूरा टोटल कहानी बताओ मैं एक के सामने, शुरू से खुल के बताओ कैसे कैसे हुआ, शुरुआत से बताओ, आप कहाँ गई थी और वो कहाँ मिले था, बोलो। शादी में गए थे मामा जी के बेटे की शादी में। अच्छा, शादी में इससे मिले। अच्छा, तो तभी से मतलब पहले फ्रेंडशिप हुआ, उसके बाद नंबर लिए से बात करने के लिए। अच्छा, बात की, फिर बात करते करते ही प्यार हो गया इससे। बात करते करते प्यार हो गया इससे। ओह माय गॉड, कितने दिन प्यार चला ये बात, कितने दिन चला? अच्छा, आप नंबर उसको कैसे दिए? सामने से दिए। सच में? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस समय नंबर दिए थे तो उस समय आपको पता चला कि लड़का है कि लड़की है? आप हाँ। हमेशा इसी तरह हिप्पी रखते हैं, बाल उल काट के? नहीं नहीं, हम बाल बढ़ा के रखते थे, मैरिज हुआ तब कटाए। मतलब लड़की है ना? अभी भी पता नहीं भाई साहब कैसा आदमी है। दुनिया में कैसा आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं लड़का लड़की शादी करता है, लेकिन आज जम्मू रेलवे स्टेशन पे आपको बता रहे हैं कि लड़की लड़की शादी कर लिया है। दोनों के रांची पगल खाना भेजिए। नहीं नहीं, रुकिए ना, एक सेकंड रुकिएगा चाचा। बताओ बाबू, बताओ अभी क्या लग रहा है? घर वाले कहीं ना कहीं रोता होगा आपका, मम्मी पापा इतना बड़ा किया, पिताजी बड़ा किया और आप लड़की से शादी कर लिए। बताओ क्या बोलेंगे आगे? अच्छा, क्या सोचे आगे, इनके साथ कहाँ जाना है अभी इतना ठंडी में? कहीं भी जाएंगे, कहीं भी इन्हीं के साथ जाना है। हाँ। कुछ लेके उके आई है कि ऐसी है, अब ठंडा में ऐसी है लेके क्या आएंगे ऐसी? दोनों लड़की है, दोनों शादी की है। आप कैसे कर लिए महाराज? आपका उम्र छोटा है और आपको समझ नहीं आया थोड़ा सा? अरे लड़की को समझ नहीं, आपको समझ नहीं आया? आप जाइए घर, अभी जस्ट जाइए, नहीं तो हम प्रशासन को बुला देंगे। नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। नहीं मिलेगी मर जाएंगे? हाँ। तो महाराज आपको सोचना चाहिए महाराज, लड़की साथ शादी होता है, कौन बताया आपको? क्यों नहीं होगा, हम दोनों खुश है तो क्यों नहीं हो सकता है? हम दोनों खुश है ना, आगे पीढ़ी कैसे जाएगा? नहीं बढ़ाना हम लोग को, कोई जरूरी नहीं है बढ़ाना, मर जाएंगे। आप एक सेकंड, आप लड़की नहीं लग रहे हैं। क्या बोलते हैं आप, फोटो दिखा देते हैं। दिखाइए तो साड़ी वाला फोटो, दिखाइए तो का सूट वूट वाला दिखाइए। हाँ दिखा देते हैं, कुछ वाला दिखाइए, ज्यादा दिन नहीं, कर्मा कर्मा में ही पहने थे, दिखा देते हैं। एंगल से लड़की नहीं लग रहे हैं आप, हिपी उपी रखे हुए हैं और लड़की कैसे लग रहे हैं आप? दिखा देते हैं, दिखाइए। लड़की नहीं लग रहा, यहाँ के गार्ड उड़ रहने वाले हैं कोई भाई साहब। इनका मम्मी को फोन करिए, हो मम्मी का नंबर लीजिए, ये लोग मजाक समाज के रख दिया है, समाज बर्बाद करने का। अभी ज्यादातर देखते होंगे लड़का लड़की भाग जाता है, ये देखिए भाई साहब का तस्वीर, लाइट बढ़ा के दिखाइए तो कैमरा में भी कैद कर दिया, दूर से लीजिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ये देख सकते हैं इसका जस्ट का फोटो है, ये भी लड़की है भाई साहब, ये भी लड़की है, खड़ा हो जाना बाबू, बाबू खड़ा हो जाना, और सिनूर इसने नॉट इनको डाला, आपने इनको डाला, तो आप तो छोटा लग रहे हैं महाराज, छोटा आदमी बड़ा से शादी करता है, तो छोटा लग रहे तो प्यार नहीं कर सकते हैं। अरे महाराज प्यार किसी से कर लीजिएगा, भैंस बकरी से प्यार करिएगा, इधर दिखाइएगा। ये भैंस बकरी नहीं है, दोनों का मर्जी से हुआ है, दोनों खुश हैं, तो फिर तीसरा क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं, बोलिए। अच्छा ये आप ही का फोटो है, देखिए इनका फोटो है, ट्रेन पार हो रहा है। अच्छा देखिए इनका एज कितना हो रहा है? 18 साल के ये लड़की है, और कहीं ना कहीं आपका एज 20
आई 20 साल के लड़की है मित्रों, और कहीं ना कहीं दोनों शादी कर लिए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम ही दोनों के साथ खुश रहेंगे, अपना दोनों के साथ, और घर से भाग के शादी किए हैं। और ये आप पहला बार देख रहे हैं जमुई में, अगर जमुई के बात किया जाए तो पहला ऐसा शख्स है, और जमुई के लगले लखीसराय है, और जमुई है लखीसराय, ये लखीसराय के हैं, ये जमुई का, जमुई के पहला शख्स आप देख रहे हैं जो कि लड़की लड़की में शादी किया है। और आपको हमें जमुई रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, और क्या आपको कुछ कहना है कहिए मीडिया के माध्यम से, अगर आपको जो धमकी दे रहा है, आपको जो भी बोलना है, खुलासा करना है, खुलासा करिए। क्या बोलेंगे, हम दोनों को साथ रहना है, धमकी देना बंद कर दे, इसका फैमिली लोग, मेरा फैमिली लोग भी नहीं देगा, इसका फैमिली लोग भी मत दे। इसको अभी कहाँ ले जाइएगा आप? अभी कहाँ लेंगे, रूम लेंगे नहीं, पे कहीं रहेंगे, स्टेशन ही फिर आइएगा। नहीं नहीं, मतलब बगल में कहीं रूम लेंगे और रहेंगे। रूम देगा महाराज, कोई नहीं देगा। आप बताइए, हम जब पटना में रूम लेके रह सकते हैं तो ये अपना जिला में क्यों नहीं रह सकते हैं? देख सकते हैं भाई लोग, आप लोग सहमत हैं क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? जमुई से। जमुई से जी, जमुई से। ये आपने देखा है, पहली बार देखा है ना ऐसा घटना? जी पहली बार देखे हैं, लड़की का शादी लड़की से करते हुए पहली बार देखे हैं। देख सकते हैं आपको जमुई रेलवे स्टेशन के पास रखे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे शख्स हमारे साथ बैठा गए जो कि लड़की लड़की में शादी कर लिया। ये सब कैसे आगे पीढ़ी आपका नहीं बढ़ेगा महाराज? आप घर वाले को भी परेशान कर रहे हैं, ये सब कैसे आ गया आपको? आप अभी भी आप दोनों को समझा रहे हैं, आप दोनों घर जाइए और अच्छे से अपना अपना घर वाले को फोन कर दिया। हाँ, आप अपना घर वाले को फोन किए हैं? नंबर नंबर निकालिए, फोन करिए, तो कैमरा के सामने करिए। शादी थोड़े हुआ, ये हो सकता है आगे ये हुई है। अभी ये शादी है, ससुर सासू माँ है।